हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा उसके ड्रीम इलेवन प्रोडिक्शंस के बारे में। पिछले मैच का हमारा प्रोडिक्शंस ठीक ठाक गया था, बट पिछले मैच में क्योंकि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दोनों ही नहीं खेला था, बट ओवरऑल पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था हमारे ड्रीम इलेवन टीम ने जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था। सो इस वीडियो में बात करने वाले थर्ड ओडीआई मैच और ये मैच इस सीरीज का लास्ट मैच होने वाला है। सीरीज एक एक के बराबरी पर आ गया है, इंडिया को सीरीज जीतने के लिए इस मैच को विन करना ही पड़ेगा, ये मस्ट विन मैच है। सो मुझे लगता है इस मैच में विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दोनों खेलने वाले, जबकि पिछले मैच में इनके प्लेस पर अक्षर पटेल संजू सैमसन को खेलने का मौका मिला था। मुझे लगता है इस मैच में विराट एंड रोहित शर्मा वापस आने वाले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताते थे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर वीडियो के टाइटल के नीचे मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। ऐसे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लेना। आप बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। ये जो मैच खेला जाएगा ये खेला जाएगा ब्रैंड लारा स्टेडियम वेस्ट इंडीज पर। ये पिक्चर लॉर्ड्स का पिक्चर है, इसको इग्नोर कर दो। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर है इस पिच पर 439, लोएस्ट स्कोर है 51। ओवरऑल ये एक बैलेंस पिच है, मतलब अच्छा डांस भी होता है एंड कभी कभी बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग मैचेस भी हमें देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर आप लोगों को टीम जो सिलेक्ट करना होगा प्लेयर्स को सोच समझ कर पिक करना पड़ेगा। सबसे पहले देख लो स्टैट्स, टोटल 67 मैचेस खेला जा चुका है जिसमें से पहले बैटिंग करते हुए टीमों ने 32 मैचेस को विन किया एंड चेजिंग वाले टीमों ने 35 मैचेस को विन किया। सो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर है 250 फर्स्ट इनिंग्स का एंड सेकंड इनिंग्स का है 225, मतलब डिसेंट एवरेज स्कोर। अगर आप लास्ट 10 मैचेस का देखेंगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स का रिकॉर्ड, सो पेसर्स ने 61 विकेट निकाले हैं एंड स्पिनर्स ने 55 विकेट निकाले हैं। सो यहां पर भी उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि इंडिया के पास क्वालिटी स्पिनर्स है एंड वेस्ट इंडीज के पास भी कुछ अच्छे स्पिनर्स है। सो इस मैच में स्पिनर्स डोमिनेट भी कर सकते हैं। आप देख लो रिसेंट मैचेस परफॉर्मेंस, पिछले मैच वेस्ट इंडीज जीत गया था एंड इंडिया पिछले मैच हार गया था। लास्ट 5 मैचेस में से इंडिया से 2 मैच जीता है एंड वेस्ट इंडीज भी 2 मैचेस को विन किया है। लास्ट 10 मैच की हेड टू हेड देखेंगे तो इंडिया ने 9 एंड वेस्ट इंडीज ने 1 मैच को विन किया है। रिसेंट मैचेस देख लो आप, रिसेंटली जितने भी मैचेस हुए इंडिया एंड वेस्ट इंडीज के सारे ही लो स्कोरिंग मैचेस हुए। देख लो पिछला मैच 181, उसके पहला मैच 114, उससे पहला जो पिछले साल जो मैच खेला गया था उसमें भी इंडिया ने 225 रन स्कोर किया था एंड वेस्ट इंडीज उसको भी चेस नहीं कर सका था। सो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिला है। सो इस मैच में हम लोग उम्मीद करेंगे कि एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिले और वैसे भी यहाँ का पिच में हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया का प्लेइंग 11, उसी के साथ साथ कौन कौन से प्लेयर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे लगता है रोहित शर्मा खेलेगा, सो ओपनिंग ही करने वाला है। देख लो 57 का एवरेज है हेड टू हेड में, ओवरऑल 48 का एवरेज है। सो अगर खेलता है सो आप लोगों के लिए काफी अच्छा पिक होने वाला है ग्रैंड लीग में। एंड शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल को स्मॉल लीग से लोग ड्रॉप करने वाले हैं, बट मैं आप लोगों को बता दूं 2 मैचों में फ्लॉप गया है। सो इस मैच में अच्छा फॉर्म कर सकते हैं, पिछले मैच में 34 रन स्कोर किया था, थोड़ा बहुत फॉर्म वापस आ गया है। बट ग्रैंड लीग के लिए अगर टीम क्रिएट कर रहे हो तो शुभमन गिल को कैप्टन आप लोग मास्ट पिक कैप्टन करना, ये कैप्टनसी का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में आप एज ए नॉर्मल प्लेयर ट्राई कर सकते हो। विराट कोहली के देख लो स्मॉल लीग में आप लोग जरूर रखना एंड ग्रैंड लीग में चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। सूर्य कुमार यादव अगेन ग्रैंड लीग में कैप्टनसी प्लस वाइस कैप्टनसी का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्रीवियस 2 मैच देख लो, पिछले मैच में 24 रन स्कोर किया था, उससे पहले 19, हेड टू हेड में भी बहुत ही बुरा एवरेज है 24 का एवरेज है। सिर्फ ईशान किशन के देख लो, दोनों ही मैचों में हाफ सेंचुरी किया था, पिछले मैच में 55, उससे पहले 52, ओवर 44 का एवरेज है। सो स्मॉल लीग में चाहो तो पिक कर सकते हो अगर ओपनिंग करने आता है। सो अगर रोहित शर्मा खेलता है सो ईशान किशन नीचे बैटिंग करने आ सकता है। हार्दिक पांड्या की बात करें, रिसेंटली परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा रहा है, सिर्फ पिछले मैच में 1 भी विकेट नहीं लिया था एंड उससे पहले 1 विकेट चटका था एंड दोनों मैच में बैटिंग से कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। सो हार्दिक पांड्या भी ग्रैंड लीग के लिए अच्छा कैप्टनसी का ऑप्शन है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कैप्टन नहीं बनाने वाले क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा लो रहा था। रविंद्र जडेजा की बात करें सो ग्रैंड लीग से आप इसको ड्रॉप कर सकते हो एंड स्मॉल लीग में आप इसको ट्राई कर सकते हो, ओवरऑल 44 विकेट ले चुका है एंड रिसेंट परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं है। पिछले मैच में 0 विकेट, उससे पहले 3 विकेट लिया था। कुलदीप यादव देख लो, ग्रैंड लीग का मास्ट पिक प्लेयर है, पिछले मैच में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि ग्रैंड लीग में आप इसको ट्राई कर सकते हो या फिर ड्रॉप भी कर सकते हो। सो पिछले मैच में 0 विकेट लिया था, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था क्योंकि इंडिया ने उतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया था। उसके बाद देख लो शार्दुल ठाकुर ग्रैंड लीग का प्लेयर है, स्मॉल लीग से ड्रॉप कर देना। उसके बाद मुकेश कुमार की बात करें तो ये भी ग्रैंड लीग में आप लोग ट्राई करना एंड उमरान मालिक का भी परफॉर्मेंस लो है। देख लो पीपीएस रिसेंट परफॉर्मेंस देख लो, 0-0-0, 1 भी विकेट नहीं ले पाया था रिसेंट के कुछ मैचेस में। सो इसको भी आप लोग स्मॉल लीग से ड्रॉप करके चल सकते हो। सो स्मॉल लीग के लिए देख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा शुभमन गिल, विराट कोहली, तीनों इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद देख लो हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड रविंद्र जडेजा भी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बाकी के जो प्लेयर्स है वो ग्रैंड लीग में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी मेरा जो फाइनल स्मॉल लीग का टीम है अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन भी देने वाला हूँ एंड जो ग्रैंड लीग का टीम होता है ग्रैंड लीग का मैं 3 टीम्स शेयर कर दूँ वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। सो टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना एंड वेस्ट इंडीज की तरफ से देख लो ब्रैंडन किंग आप लोगों के लिए इस
मैच में अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस दो मैच में परफॉर्मेंस बुरा रहा है। पिछले मैच में 15 रन स्कोर किया था, ओवरऑल हेड टू हेड में देख लो 22 का एवरेज है, एवरेज भी बहुत ही बुरा है। सो आप लोग क्रियर लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो। काली मैच की बात करें, पिछले मैच में 36 रन स्कोर किया था, ओवरऑल हिट एंड मिस प्लेयर से अगर खेलता है तो अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकता है। अगर पहले बैटिंग करता है उस केस में आप लोग काली मैच को ट्राई कर सकते हो, वरना ड्रॉप करके चल सकते हो। उसके बाद ए की बात करें तो देख लो 3 मैच में 31 का एवरेज है, 93 रन पिछले मैच में सिर्फ 6 रन स्कोर कर पाया था। सो इसको भी ड्रॉप करके चल सकते हो स्मॉल लीग से। एंड उसके बाद शाई होप की बात करें तो मास्ट प्ले ऑप्शन है। पिछले मैच में भी मैंने कहा था ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही अच्छा कैप्टनसी प्लस वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन, देख लो 63 रन स्कोर किया था पिछले मैच में, ओवरऑल हेड टू हेड में 48 का एवरेज है। सो काफी अच्छा प्लेयर है, शिमरन हिटमैन ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो। पिछले मैच में 9 रन स्कोर किया था। उसके बाद केसी की बात करें तो पिछले मैच खेला था एंड 48 रन स्कोर किया था। सो इस मैच में आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है ग्रैंड लीग में। उसके बाद देख लो रॉबर्ट सेफोर्ड की अगर बात करें तो 24 मैच में 17 का एवरेज है, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, इसको ड्रॉप करके चल सकते हो। अल्जारे जोसेफ की बात करें, पिछले मैच खेला था एंड 2 के लिए था। इस मैच में भी स्मॉल लीग के लिए मास्ट प्ले ऑप्शन है अल्जारे जोसेफ। उसके बाद वाईसी की अगर बात करें 10 मैच में 11 विकेट पिछले मैच में 1 विकेट था, लेग ब्रेक गुगली बॉलर है, इसको आप पिक करके चल सकते हो स्मॉल लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर। ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकता है आप लोगों के लिए स्मॉल लीग में। उसके बाद जीएम की अगर बात करें देख लो 6 मैच में 13 विकेट पिछले मैच में 3 विकेट लिया था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है, क्योंकि स्पिनर्स का ही ज्यादा बोल वाला रहा था इन दो मैचों में। सो इस मैच में अगर देखना पड़ेगा पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में आप लोगों को बताऊंगा इसको पिक करना है कि नहीं करना है, वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, सो टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। उसके बाद जेएस की अगर बात करें तो 9 मैच में 6 विकेट, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, ड्रॉप करके चल सकते हो। सो आप बात कर रहे थे बेस्ट कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की, बेस्ट कैप्टनसी की अगर बात करें तो इंडिया की तरफ से देख लो सारे ही बेस्ट ऑप्शन है, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या एंड शुभमन गिल तीनों आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। शुभमन गिल स्पेशली ग्रैंड लीग के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्पेशली ग्रैंड लीग की अगर बात करें तो कुलदीप यादव वाइस कैप्टनसी का बहुत ही अच्छा ऑप्शन, रविंद्र जडेजा भी वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन एंड शाई होप अच्छा कैप्टनसी प्लस वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन है ग्रैंड लीग में। अभी के लिए देख लो मेरा स्मॉल लीग का टीम शाई होप को मैंने रखा है। उसके बाद बैटिंग में देख लो विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, बी किंग, ब्रेंडन किंग एंड शुभमन गिल को पिक किया है। अगर विराट कोहली नहीं खेलता है उसके प्लेस पर मैं किसी और को भी पिक कर सकता हूँ, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। ऑलराउंडर में देख लो रविंद्र जडेजा, शाई होप, हार्दिक पांड्या, काली मेयर्स एंड एसएफ को मैंने पिक किया है, आरएस को मैंने पिक किया है। उसके बाद बॉलिंग में कुलदीप यादव एंड अल्जारे जोसेफ को रखा है मैंने अपने टीम में। अगर कोई भी अपडेट करूंगा आप लोगों को मैं अपडेट दे दूंगा एंड ग्रैंड लीग की टीम टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो ग्रैंड लीग की टीम होता है मैं पिच रिपोर्ट के बेसिस पर एंड प्लेयर्स के रिकॉर्ड के बेसिस पर टीम आप लोगों को देता हूं। सो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है मेरे ग्रैंड लीग की टीम, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही ड्रीम 11 प्रोडिक्शंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।